मुजफ्फरपुर की सूतापट्टी स्थित महाराजा अग्रसेन मार्ग का रातों रात कायाकल्प हो गया। स्मार्ट सिटी के कार्यों से खराब सड़कें अब तेज गति से बनने लगी है। पिछले 10 से 12 दिनों से सूतापट्टी के व्यवसायी इस गली को आने जाने लायक बनाने की नगर आयुक्त से गुहार लगा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर में स्थानीय वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सूतापट्टी में एक दिन का धरना दिया, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो पार्षद ने दूसरे दिन आमरण अनशन शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो जिला प्रशासन की नींद खुली, पार्षद संजय केजरीवाल को पानी चढ़ाना पड़ा। रात 9:30 बजे SDO पूर्वी अमित कुमार के जरिए DM का आश्वासन मिलने पर बात बनी। DM ने मोबाइल पर बात की, फिर SDO ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। DM की ओर से भरोसा दिया गया है कि 3 दिन में सूतापट्टी की सड़क को मोटरेबल बना दिया जाएगा। रात 10 बजे से गोदाम गली की सड़क को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो गया और रातों रात सड़क बनकर तैयार भी हो गया। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि DM के आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ है, इसलिए गुरुवार को शहर में होने वाले विरोध प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया गया है। तो आप लोग इसके साक्षी रहे हैं कि लाख जतन लाख प्रयास के बावजूद भी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के 100 शहरों में जो काम हो रहा है सबसे घटिया स्तर का और सबसे निचले स्तर का। मैं तो अब एक प्रयास करके मुझे ये लगा कि शायद महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज जो कार्य में सफलता मिली, आप लोग भी इसके बधाई के पात्र हैं। अब स्मार्ट सिटी की सारी खामियों की ओर पूरे शहर में अब बिगुल फूकने का समय आ गया। जो काम रातों रात हो सकता है उसके लिए इतना डिले क्यों किया नगर निगम? ये आप लोगों को प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नगर निगम ने प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध लगा है, जब चौथे स्तंभ को प्रतिबंध किए हैं, इसी से पता चलता है कि जब अपनी नाकामी को छिपाना होता है तो मीडिया से दूरी बनाई जाती है। तो ये तो अब प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ गया कि नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो MD है वो फेलियोर इंसान है और अपने नेतृत्व में सिर्फ उगाही का काम चल रहा है। तो इसी को पर्दाफाश करना है। तमाम स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों की मतलब आय का स्रोत कितना है सरकारी तंत्र के रूप में और उनकी वर्तमान स्थिति संपत्ति के रूप में क्या है, 2 साल पहले क्या थी और आज क्या है, इसी की जांच अब करानी है। और मैं जो काम शुरू हुआ है उसकी गुणवत्ता से खुश हैं आप? हाँ, गुणवत्ता से मैं सहित पूरे गोदाम गली के एक एक दुकानदार, एक एक रहने वाले लोग, चूँकि रात भर काम चला है, सभी लोग पार्ट बाई पार्ट खड़े रहे, इस मामले में मैं बधाई दूंगा एजेंसी को कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नेतागिरी कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि नेतागिरी करके अगर हमने एक रोड को ढलवा लिया जो पिछले 6 माह से नहीं ढल रही थी, तो ऐसी नेतागिरी सबको करनी चाहिए जिसमें विकास होता है। विकास के लिए नेतागिरी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। लोगों का कहना है कि उनको आगे विधानसभा लड़ना है, जिसके चलते वो इतनी बड़ी अनशन में बैठे हैं। ये वो व्यक्ति कह रहे होंगे जिनको अपनी विधानसभा की कुर्सी का पाया टूटा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। आम जनता नहीं कह रही होगी, आप भी नाम नहीं ले रहे हैं, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस व्यक्ति के कुर्सी का चारों पाया दरक गया, दीमक लग गया, ये वो व्यक्ति कह रहा है। और वो व्यक्ति अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जैसे जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती है खट्टा है, यही बात है।